हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर एक ब्लॉग हमारा अपने लास्ट दिखा होगा जो कि लड्डू के बर्थडे का था, और यहाँ पर अच्छा स्टार्ट हो रहा है मिशू के बर्थडे का ब्लॉग। तो रात को बज रही है 12 और यहाँ पर अभी चल रही है विशिंग। यहाँ पर हमारी मिशू बर्थडे गर्ल यहाँ पर है। हैप्पी बर्थडे मिशू, थैंक यू। और यहाँ पर मम्मी है, पापा है। और आज आपको आज का एक कोइंसिडेंट बताएंगे कि मिशू का और मिशू के पापा का दोनों का ही बर्थडे एक ही दिन आता है, 15 जनवरी को। और ये पापा की बात कर रहे हैं अभी उनसे, गलती से मुझसे निकल गई। बहुत बढ़िया, तो अभी यहाँ पर विशिंग चल रहा है। हैप्पी बर्थडे पापा, आप देख सकते हैं। मैं आऊंगी ना कल। तुम आओगे क्या? छुट्टी पे हो ना? हाँ, तो मैं आ जाऊंगी, है ना? ठीक है पापा। किसी देख रहे हो छोरी की? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। भगवान तेरा को बहुत बहुत तरक्की दे बेटा। थैंक यू मम्मी। हाँ, घर पे ही हैं अभी, जस्ट खाना खा के, लड्डू के बर्थडे का खाना खा के आया और मेरा बर्थडे लग गया। कटवा दिया पापा का केक। हाँ ठीक है, हमारे तो केक नहीं आया क्योंकि केक मिला ही नहीं हमारे को। तो पता नहीं, ये लोग बोल रहे केक ही नहीं मिला। सरप्राइज दे रहे होंगे तेरे को। 16 मिनट क्या हो रहा है? केक काट रही है? नहीं, इस बार केक नहीं काटा मैंने। अच्छा, केक नहीं काटा, गिफ्ट मिले? नहीं, ना गिफ्ट मिले ना केक काटा। सब सुबह देंगे ये लोग, सब प्लान कर करके बैठे होंगे। अच्छा, कुछ नया तरीका अपनाएंगे अभी लोग सरप्राइज देने का। हाँ वैसे, हाँ झुमरी का मन गया। हाँ मेरी तो पता नहीं क्या तैयारी है मासी, ये तो मेरे को पता नहीं। ये तो इन लोगों को पता होगी। हाँ मासी, हाँ मासी ठीक है ना। तो गाइज, अभी हम लोग हैं बाहर घर से क्योंकि हम लोग गए थे लड्डू का बर्थडे मनाने, तो इसलिए मिशू को हम लोग 5-7 में थे इसलिए उसका केक नहीं ले के आ पाए। तो अभी मैंने इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर किया है केक। तो यहाँ पर अभी मिशू का केक उधर उठा, उसको ऊपर से उठा यहाँ रख। तो मैं आपको केक दिया, यहाँ पर है मिशू का केक। और ये केक हमने बुलाया था, ये क्या भेजा है उसने भाई ने? चॉकलेट केक। ठीक है, चाकू कहाँ है? बोलू उस पर मत रख यार, समझ जा रहा कोई चीज़ को, वो काय पे वो इधर आ जाती है। अभी हो गया केक प्रिपेयर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या हो गया? देखो लो सुबह ले इधर आ जा। देखो लो
इसमें एक ही है पूरा बोलो शूट करना चॉकलेट ही है मैंने कर दो वीडियो तो ले आओ मम्मी दो मिनट में आई ये तो क्या गोल्डन गर्ल बनती जा रही मम्मी तो धीरे धीरे गोल्डन बॉय की जैसे गोल्डन गर्ल ये गोल्ड है मम्मी अभी पूरा सब गोल्ड के ये गोल्ड क्या इतने सुंदर लग रहे हैं ये मंगलसूत्र भी लिया क्या ये मंगलसूत्र था इसमें मुझे वाले मोती चाहिए थे हां ये वाले मोती कब से बोल रही थी और यार मम्मी थैंक यू यार बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये भी बदल दो ये हम दोनों की तरफ से ये आउच गिफ्ट खुश सुंदर लग रहा है इस टाइप की नहीं थी ना तेरे पास बहुत सुंदर है मम्मी थैंक यू यूके भी है खुश रहो बेटा सदा स्वागत रहो आपके लिए भी बेटा आपके लिए भी और ये गुस्सा मत होएगा मेरी जरा जरा बातों पे रात का तो आपने देख लिया था केक कटिंग वगैरह हुई थी अभी हो गई है सुबह बन रहे हैं दाल वाफले बन गए दाल वाफले ये रही दाल ये रहे वाफले ये बेसन और प्याज और जीरा वीरा डाल के मिर्ची कल आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा मैंने बताया था मैं रोई थी हमें गुस्से में कुछ ऐसा बोल देती हैं जो कभी कभी उनको रियलाइज नहीं होता लेकिन बाद में होता है फिर बाद में जब उनको रियलाइज होता है तो बोली तू क्यों रोई थी पर ये है कि गुस्से में कोई एक है तो दूसरे को चुप होना पड़ता है और वो दूसरा मैं होती हूँ और बाद में मम्मी खुद ही रियलाइज कर लेती है ये चीज उनकी है। हाँ, मेरे को ये है कि गुस्सा बहुत आता है मैं बहुत सोचती गुस्सा नहीं और मैं कल इनको यही समझा रही थी मम्मी गुस्से में जो शब्द इंसान बोलता है वो तीर की तरह चुभते हैं बोलती मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ कोई बात नहीं ऐसे हम लोगों की चलती रहती है और ऐसे ही रिश्ते हमारे चल रहे एक चुप रहेगा आधे घंटे भी नहीं रहता हमारा गुस्सा तो ये है कि मुझे चुप होना पड़ता है क्योंकि ये बहुत गुस्सा हो जाती है फिर मनाती फिर बोलती तू क्यों रोई थी फिर मैं 10 बार तो सॉरी बोलती इसको क्योंकि गुस्से में नहीं पता होता है ना लेकिन बाद में जब इंसान को रियलाइज होता है कि कैसे रो रहा था तो फिर बुरा लगता है और वही सिचुएशन इनके साथ होती है पर मैं अपनी गलती मान लेती हूं गलती मान लेती है फिर मम्मी अपनी बोल के चली जाती हूँ तो ये रहा बर्थडे का कुछ ये मेरे फेवरेट है इसको मेरे हाथ के दाल वाफले खाना फेवरेट है मेरे तो आज फिर हमने दाल अब रात का तो क्या है मुझे कुछ सीन पता नहीं है इनफैक्ट मैंने नहाया भी नहीं है हाँ बस मैं भी अब नहाने जा रही हूँ और तुमको तो कथा में जाना है ना फिर देखते हैं मेरा क्या सीन है कुछ बर्थडे का तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी फिर भी देखते हैं जो भी होगा जैसे कल मैंने बोला था जो भी होगा बताएंगे आपको आगे तो बज रहे हैं 4 हम नहा के 1 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं बाद में टॉवल डाल के है ना पियो मेरा भी बर्थडे निकल गया मेरा भी बर्थडे निकल गया कितनी मस्ती आ रही है पता नहीं अभी तक तो एक लड़की ने मुझे कमेंट किया है कि आपकी बेटी के बर्थडे पे तो आप लोग ऐसे ही बैठे थे मैंने वो द्वारकाधीश की वीडियो डाली है और खुद के बर्थडे पे इतना एंजॉय कर रही हो कल उसको दर्द हो रहा था तो क्या आज उसको दर्द नहीं हो रहा होगा अपने बर्थडे पे तो एंजॉय कर रही हो तो ये रहा एंजॉय ऐसे एंजॉय कर रही हूँ मैं ठीक है क्या लोग यार मतलब आप लोग जज भी करते हो तो माँ को जज करते हो है उसका उसका दर्द जितना उसको नहीं हो रहा होगा जितना मुझे हुआ है ना पियो हाँ तो उसको दिख नहीं रहा था है उसको
और यूँ बोल रही है उसके बर्थडे पे तो पूरा दिन रोते हुए निकाल दिया और खुद के बर्थडे पे एंजॉय कर रही हो। अभी मम्मी जा रहे हैं उनकी सिस्टर के यहाँ पे फंक्शन है, बताओ, बोल रही मैं एंजॉय कर रही हूँ, बोल रही खुद के बर्थडे पे तो अच्छा एंजॉय कर रही, मतलब बोल भी रहे हो तो उसकी माँ को ही बोल रहे हो। अरे लोग हैं उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए रहता है, इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया कर मनीषा, जैसे बोलती हूँ मैं, जैसी मैं हूँ वैसे तू बन जा, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ये दुनिया वालों के लिए बेशरम बनना पड़ता है, जरूरी भी है, नहीं तो है ना लोगों ने ना पता नहीं कब बनूंगी मम्मी, बनना पड़ता है, और फिर नहीं बन सकता तो जैसे को तैसा जवाब दे के फ्री हो जाओ। आए तो अभी तो बैठी हुई हूँ मैं, मैं तो पता है टॉवल भी सूख गया, बाल भी सूख गए, हाँ अच्छे लग रहे हो मेरे बाल, नहीं ऐसे भी अच्छा लग रहा है रेड और ये, हाँ अच्छे लग रहे हैं ऐसे। तो अभी तो पता नहीं अब शाम का क्या सीन है, पापा बोल के गए 7 बजे तैयार रहना, तैयार हो गया ना, पर वो वेलवेट वाली साड़ी पहनना है ना, ठीक है। हाँ अब टॉवल निकाल लूँ क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही सूख गए। तो पता है ना रीज़न ये है कि माही की छुट्टी नहीं, अदरवाइज हमारे बर्थडे ऐसे कभी नहीं निकलते, और पीहू मेरा तो ठीक ही ठीक है मेरा, मुझे इतना कुछ नहीं, पीहू का कभी ऐसे नहीं जाता, फिर भी शाम को छोटा मोटा सेलिब्रेशन कराई थी जो आपने देखा, बाकी देखते हैं मेरे बर्थडे का क्या, कुछ पता नहीं है मुझे, जो भी होगा शाम को दिखाएंगे आपको। मैंने पता पहले क्या सोचा था कि मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी अपने बर्थडे के, एक मैं दिन का बनाऊंगी कि दिन मेरा क्या रूटीन, एक रात का बनाऊंगी, दिन का क्या दिखाऊंगी। अभी मैंने सिर दर्द की गोली ली है, पर बाल ऐसे सूख गए पता है, सिर दर्द की दवाई ली है मैंने अभी, अब सिर दर्द अब थोड़ा बहुत नॉर्मल है, बज रहे हैं 4, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सो गई थी पता है, मेरे को इतना एकदम से हेडेक स्टार्ट हो गया, ये ऐसे ही रहता है माइग्रेन का, सोई थोड़ी देर। अच्छा हर ब्लॉग में देखा होगा ना आपने, मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूटता है, हर ब्लॉग में देखा होगा, बताना मुझे ज़रूर। बस ये फिर उठी, फिर पीहू को खाना वाना खिलाया, फिर उसके लिए टमाटर बॉइल्ड करें, अब उसके लिए सूप बनाऊंगी, फिर उसके बाद मेरे लिए चाय बनाऊंगी शाम का जो भी रहेगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है बर्थडे का, बस पीहू का था तो उसका मन गया, बाकी क्या अब तो बड़े हो गए पता, पहले मतलब पहले तो मुझे फिर भी एक्साइटमेंट रहती थी मेरे बर्थडे की, पिछले साल पीहू पेट में थी और 14 तारीख को पता ही आप लोगों को मुझे कितना ज़्यादा मैं पेन में थी, और इस बार पीहू के बर्थडे की एक्साइटमेंट थी मेरे बर्थडे की ख़त्म हो गई। चलो जो भी होगा दिखाएंगे आपके ब्लॉग में, वो अकेली खेल रही पता है, अब मैं पेंटिंग फटाफट मेरे लिए अच्छी अदरक वाली चाय बना लूँ, कम शक्कर और ज़्यादा अदरक वाली, वो पीऊँगी मैं तो उससे और नॉर्मल हो जाएगा सिर दर्द। इस लड़की को देखो, आपको पता है हमारा मंदिर अभी रेडी नहीं हुआ है, तो सारे भगवान जी और सारे जो पूजा पाठ का सामान था ना वो, और इसके खिलौने हमने वहाँ रख लिए थे अंदर सेफली, और वो जो नीचे आपको वाइट वाइट पट्टियाँ दिख रही होंगी ना, देखो मैं बताती हूँ उंगली से, ये वाली पट्टी ये पता मैंने लगाई थी, उसने पूरी निकाल ली और देखो कैसे खोल ली ड्रॉअर। पीहू 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 ये क्या कर रहे हो बेटा, पीहू। और ये रही मेरी अदरक वाली चाय, थोड़ा नॉर्मल हूँ मैं अभी, और लग रहा है ना कि 2 पार्ट में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये लोग ना शाम के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करें, क्योंकि 7 बजे जाने का बोला है तो कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा ना तो फिर मैं व्लॉग 2 पार्ट में डालूंगी ताकि आप लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाओ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उसको मैश करने से मतलब नहीं है, उसको मैश क्रिएट कर दो तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अगर ज़्यादा बड़ा व्लॉग हुआ तो मैं 2 पार्ट में ज़रूर डालूंगी उसको, तो आप ज़रूर देखिएगा प्लीज़। सो यहाँ मेरी चल रही थी सब लोगों से वीडियो कॉल पे बात, ये सारे लोग जैसे कि आपको पता है सरता देख के फंक्शन में गए थे और मैं नहीं जा पाई, सब लोग मिलके गाना गा रहे थे, बार बार दिन आए बार बार दिल ये गाए, वीडियो कॉल सचिन भैया ने लगाया था क्योंकि वो विश नहीं कर पाए थे मुझे, बस यही कह रहे थे कि विश हम लोग यहाँ पर बिज़ी थे तो भूल गए थे, ये सारे लोग मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए मैंने इस वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पर लगाया है, और सभी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिज़ी थे,
मैं माही की छुट्टियों की वजह से नहीं जा पाई। सचिन भैया की खुशी आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं हुई हूँ तो सचिन भैया की खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं। मुझे कह रहे थे बार बार दिल्ली आए, बार बार दिल्ली आए, तुम जियो हज़ार साल मीशो और चार चार आईफोन लो। मुझे कहने लगे कि मीशो फ़ोन उठाओ, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करो। मैंने कहा भैया मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। तो इतना हंस रहे थे, मीशो तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। और यहाँ पर नेहा दीदी को देख सकते हो आप, नेहा दीदी बोल रही है मीशो मैं तेरे साथ वीडियो और फोटो ढूंढ रही हूँ डालने के लिए, क्योंकि ये लोग बिजी थे ना तो वहाँ पे उतना जल्दी से कर नहीं पाए। फिर उसके बाद दीदी बोली कि हमें याद आया क्योंकि साक्षी ने डाला था। फिर अमित भैया कहने लगे कि हैप्पी बर्थडे और मेरी तरफ से केक काट के तुम खा लेना। और इसके बाद सचिन भैया की हंसी आप देख लेना, ये देखो इनको कितनी हंसी आई इस बात पर। बस ऐसे इन लोगों से मेरे सारे जो दिल के करीब हैं इन लोगों से मेरी वीडियो कॉल पर बात चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि सब ने मुझे साथ में विश किया। पता नहीं सचिन भैया क्या 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 बात कह रहे थे, मीशू सब लोग भूल गए थे, फिर मैंने सबको याद दिलाया। देखो वीडियो कॉल करके मैंने सबको कहा कि मीशू को विश करो, देखो तो कोई तुम्हारा है ही नहीं है, ऐसे करके मुझे चिढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर इस टाइप से इनसे चल रही थी मेरी सबसे बातें। पीयू को देख रहे हो आप, घर देखो हॉल देखो मेरा, ये ऐसा मना रही मेरा बर्थडे। पीहू पीहू मम्मा का बर्थडे बिट्टू आज, पीहू माँ का हैप्पी बर्थडे आज, पीहू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माँ का। पीहू माँ बोलो, माँ बोलो, माँ 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 साफ करूंगी जो उन्होंने फैलाया है। मरीज हो गई तैयार? हाँ ये इनका लुक है आज का, अच्छी लग रही है। देखते हैं तैयार करवा दे, कुछ प्लान होगा यू नो दैट, पर ये नहीं पता है क्या प्लान है। तो बस रेडी है, माही अभी तक आई नहीं है, जब आएंगे मम्मी कड़े। हाँ मैं देती हूँ, लो मैं आपका तो दिखा दूँ। लो पीहू पीहू ये मेरी वेतू मेरी चिड़िया लानी, ये चीज तैयार हो गई, ये चीज दादू के साथ मती मती हो रही थी, छींची कर ली है, तैयार होने के बाद ही छींची करती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मम्मी का लुक है, मैंने वेलवेट पहना तो उनने भी वेलवेट ही पहना है। हाँ मैं तो इसकी कॉपी करती हूँ, मैं ये जैसा पहनती वैसे ही पहनती हूँ, अब इसे लोग कुछ भी बोले ठीक है। शी रियली डोंट केयर। हाँ आई डोंट केयर, गो टू हेल जो बोलता है वो। सो निकल रहे हैं हम लोग जाने के लिए, जहाँ से मेरा ज्ञान गणित बोल रहा है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है ऐसा, पर देखते हैं वहाँ पे जाके पता चलेगा। अगर ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा, मैं पहले भी बता रही हूँ, तो मैं दो पार्ट में डालूंगी, प्लीज़ देखना। हाँ जी, सो सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो आपको सेकेंड पार्ट में देखने मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है और सेलिब्रेशन का बहुत अच्छा व्लॉग है जो कि मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ। सो इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा।